शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अमर, तुम्हें मार डालने की कोशिश की जा रही है। अपने आप को फांसी के फंदे से बचाने के लिए मुझे पागल बनना पड़ा। खन्ना के इश्क में और पैसों के लालच में आकर तुम इतना गिर जाओगी, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। नमामि मीशान निर्वाण रूपम् विभुं व्यापकम् ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजम् निर्गुणम् निर्विकल्पम् निरीहम् चिदाकाश वासं भजे हम। अमर, आई एम सॉरी, मैं आपको एक बहुत बुरी खबर देने जा रहा हूं। चाचा जी, खन्ना अंकल चाचा जी नहीं रहे। चाचा जी बेटे, मैं समझ सकता हूं कि जिस चाचा ने तुझे बाप से भी बढ़कर प्यार दिया,
उस चाचा की मौत से तेरे दिल पर क्या गुजरी होगी, समझ सकता। ये लो इसे पढ़ो। मेरी मौत को कत्ल ना समझो, ये खुदकशी है। ब्रेन ट्यूमर के दर्द ने मेरा जीना हराम कर दिया था। वैसे भी मैं बहुत कम दिनों का मेहमान था। डॉक्टर ने 6 महीने की मुद्दत दे दी थी, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं 6 महीने तक इस दर्द को बर्दाश्त कर सकता, इसलिए मैंने खुदकशी कर ली। इस मौत से किसी का कोई ताल्लुक नहीं और ना ही किसी को इसका इल्जाम दिया जाए। राम कुमार सक्सेना। सॉरी बेटे, एक फैमिली डॉक्टर होने के बावजूद भी मैं तुम्हारे चाचा जी को बचा नहीं सका। तुम्हारे चाचा जी इतने कमजोर निकलेंगे इस बात का मुझे पता ही नहीं था। माना कि उन्हें तकलीफें बहुत थी, लेकिन मैंने उनसे कहा था कि ऑपरेशन के बाद वो ठीक भी हो सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जा सकते हैं। मौसी तुम सोइए। बुढ़ापे में जिन आंखों ने इस घर में इतना भयानक मंजर देखा हो, उन आंखों में नींद कहां से आएगी? चल बेटे खाना खा ले। नहीं मौसी, मुझको भूख नहीं। मौसी का मतलब जानता है? मौसी यानी मासी, मां की बात नहीं डाला करते। अच्छा बता, इस तरह गम में डूबे रहने से क्या होगा? नहीं बेटे, अपने खानदान का इतना बड़ा बिजनेस है, उसे तुझे ही आगे बढ़ाना है, तुझे हिम्मत रखनी होगी। हाँ बेटे। भाई साहब क्या है? मैं ये 2 टुकड़े ले लूं? अबे घोचू, तुझे ये 2 टुकड़े दिखाई पड़ते हैं? अरे ये बड़े काम की चीज है, बड़े काम की। इसके दाम लगते हैं, दाम। इसके दाम? हाँ। कितने? पूरे 5 रुपए। 5 रुपए? हाँ। इसके? हाँ। पैसे के लालच ने तेरे दिमाग के टायर को पंक्चर कर दिया है और अंदर जाकल की हवा निकाल दी है। अरे मूर्ख, क्या करेगा पैसा कमा के? पैसा किसके काम आया है जो तेरे काम आएगा? अरे अकबर बादशाह खाली हाथ आया था, खाली हाथ गया। सिकंदर जैसा बादशाह खाली हाथ दुनिया में आया था, खाली हाथ गया। कारून जैसा बड़ा बादशाह खाली हाथ आया था, खाली हाथ गया। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि सारी उम्र गंवा दी कमाने में पैसा, और बाद में यही साला पैसा बन गया अपने दुश्मन जैसा। ये जब आता है तो साथ में टेंशन भी लेकर आता है। इंसान के सर के बाल निकल जाते हैं, इंसान गंजा हो जाता है, फिर याशी में पड़ जाता है, कोठे पर जाता है, शराब पीता है, तवायफों के चक्कर में लग जाता है, उसके बाद उसको बीमारियां लग जाती हैं और रेड़ियां रगड़ के मर जाता है, और उसके मरने के बाद उसी पैसे के लिए उसके घर वाले एक दूसरे का खून कर देते हैं, गोलियां चलाते हैं, चाकू चलाते हैं, तलवार चलाते हैं और खून बहाना शुरू कर देते हैं। क्या तू चाहता है तेरे मरने के बाद तेरे खानदान वाले एक दूसरे का खून बहाए? नहीं नहीं भाई, मैं अपने घर में खून खराबा बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए अपने दिल से पैसे का ख्याल निकाल दे और ये 2 टुकड़े मेरी झोली में डाल दे। अरे मेरे बाप, अरे तू ले जा ये 2 टुकड़े, मुझे दाम नहीं चाहिए, मुझे दाम नहीं चाहिए। पहले बोलना था ना यार, खामखाम मदारी तो नहीं बनना पड़ता था। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया हो। जूते के नीचे लगाना ठीक रहेगा, जूता बहुत मजबूत रहेगा और बहुत सालों तक चलेगा। हो बस अनसोल लगवाने को आए, तुम्हारे जूते किधर हो? अरे आधा काम मैंने कर दिया, आधा तुम कर दो। क्या मतलब? जूते की जमीन मैंने ला कर दी, अब जूते का मकान तुम बना दो। जमीन का मकान तो मैं बनाऊंगा, लेकिन पैसे लगेंगे। हो पैसे? जूता बना के देता ही अब मैं फिर से मदारी बन जाऊं? अरे मेरे बाप, फिर से तो मदारी मत बन, फिर से मदारी मत बन। मैं तुझे समझाता हूं, इसे जाने दे, इसे जाने दे। चलो किसी के दिल में तो मेरी बात उतरी, इसको बता के मदारी बनने में क्या नुकसान है। तब तक मैं जरा नजरों का राउंड मार के आता हूं। अरे मैं तेरे को समझाता हूं।
अंकित। सारे लोग आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सबके लिए होटल बुक करें। ओके सर। रोहित, रोहित बेटा। ए, रुको रुको, कौन हो तुम, कहाँ घुस रहे? मुझे साहब से मिलना है। तुम्हें और छोटे सरकार से मिलना है? बहुत जरूरी काम है। अंदर मीटिंग चलिए, दो घंटे बाद आना। दो घंटे बाद? दो घंटे बाद। आप लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी कंपनी खेतान इंडिया लिमिटेड हर किस्म का फैन बनाती है, और उसकी खास बात यह है कि हम उसकी अच्छी क्वालिटी के साथ साथ उसकी प्राइस भी रिजनेबल रखते हैं। यही वजह है कि आज इंडिया में हमारी सेल इतनी जबरदस्त है। आज की ये मीटिंग रखने का खास मकसद ये है कि हमें अपनी क्वालिटी को इसी तरह बरकरार रखना है, ताकि हम सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी हर कंपनी के साथ कंपीट कर सके। एंड थैंक यू वेरी मच। सलाम साहब। हाँ सलाम। रोहित, रोहित बेटे, अरे कहाँ हो तुम, कैसे हो? कौन? माफ कीजिएगा, मेरा नाम अमर है। कौन है ये? मैं जानता हूँ बेटा, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? तुम शायद अपनी चमक दमक की दुनिया वालों को अपने माजी के बारे में नहीं बताना चाहते। मत बताओ, लेकिन एक बार चलकर सीमा को देख लो। कौन सीमा? तुम सीमा को नहीं जानते? जो लड़की तुम्हें दिलो जान से प्यार करती है, जो तुम्हें सिर्फ एक नजर देखने के लिए जिंदा है, तुम्हारी मौत की खबर सुनने के बाद जो ना ठीक से जी पा रही है न मर पा रही है, तुम उस सीमा को नहीं पहचानते? हर माँ को एक अरमान होता है कि वो अपनी बेटी का बसा हुआ घर देखे। अगर इस बाप का अरमान है कि वो अपनी बेटी को सिर्फ जिंदा देखे, एक बार उसे चलकर देख लो, शायद जी जाए, शायद डेढ़ साल से बंद उसकी जबान फिर से बोल पड़े। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरा नाम रोहित नहीं, अमर है। मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, और ना मैं आपको जानता हूँ और ना ही मैंने किसी लड़की से कभी इश्क किया। दीपक। यस सर। एक काम करो, इनकी बेटी के इलाज के लिए कुछ। ओके, कम ऑन फ्रेंड्स। सुनो बेटा, तुमने सही कहा था, मैं वाकई धोखा खा गया हूं। तुम रोहित नहीं हो, और उसका सबूत है ये नोट। अगर तुम रोहित होते तो मेरे हाथ में ऐसे भीख के नोट नहीं थमाते। इसे रख लो बेटा, दुकान तुम्हें और दे। मेरी बीमार बेटी के दुख ने मेरी हालत बना दी है कि लोग मुझे भिखारी समझने लगे हैं। तुम्हें देखकर ऐसे लगा कि जैसे रोहित जिंदा है, और शायद तुम्हें देखकर मेरी बेटी जी जाए। माफ करना बेटा, तुम्हारा समय बहुत बर्बाद किया। मालिक तुमको और दौलत दे, और तरक्की करो बेटा। सुनिए, कौन से अस्पताल में है आपकी बेटी? बेटी, ए बेटी, अरे कुछ तो बोल। ये देख, तुझसे मिले कौन आया है? ए, रोहित आया बेटी, रोहित आया। इसे जी भर के रो लेने दीजिए, इस सदमे का इससे अच्छा कोई इलाज नहीं है। सीमा, सीमा बेटी, बेटी, डॉक्टर साहब। यस नर्स, क्या? प्लीज डोंट वरी, मारे खुशी के बेहोश हो गई है, थोड़ी देर में से होश आ जाएगा, तब तक आप लोग जरा। ओह या श्योर नर्स। बेटे, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ। मैं हैरान इसलिए हूँ कि आपने मुझे रोहित कहकर पुकारा, आपकी बेटी ने भी मुझे रोहित कहकर पुकारा, ये सब क्या चक्कर है? मैं समझाता हूँ, ये देखो।
लॉकेट में मेरी तस्वीर कैसे? ये तुम्हारी तस्वीर नहीं है, ये रोहित की तस्वीर है। बड़ा नेक और शरीफ लड़का था रोहित। सीमा और रोहित बहुत प्यार करते थे एक दूसरे को, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तकदीर ने मेरे बेटी के भाग में लाल जोड़ा और हाथों की मेहंदी तो लिख दी थी, लेकिन सुहागन उन्होंने नहीं लिखा था। रोहित शादी के लिए अपने मां बाप को लाने गया, वो तो नहीं आया, उसकी मौत की खबर आ गई। सैड, वेरी सैड। रिलैक्स रिलैक्स मिस्टर जगमोहन, आपकी बेटी को होश आ गया है, अगर आप चाहें तो उससे मिल सकते हैं। वेट अ मिनट, लेट मी सी, कम। सीमा, चले गए थे, पता है लोग कैसी कैसी बातें करते थे कि तो, लेकिन मेरा दिल हमेशा यही कहता था कि तुम जिंदा हो। पता है क्यों? क्योंकि मैं जिंदा हूं। तुमने ऐसा मजाक क्यों किया रोहित? क्यों किया तुमने ऐसा मजाक? I'm sorry, Seema. Don't cry. दरअसल मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। मैं देखना चाह रहा था कि तुम मेरे बगैर जी सकोगी या मुझे खूबसूरत सपना समझकर भूल जाओगी। मगर तुम अपने इम्तिहान में फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास हुई, और अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा और तुम्हारे साथ वैसे ही पेश आऊंगा पहले की तरह। पहले बिल्कुल इसी तरह। तुम्हें याद है हमारे घर के सामने तुम्हारा एनसीसी कैंप हुआ करता था, और कैसे तुम मुझे रोज चीरा करते थे। चलेगी मेरा साया साथ होगा। रोहित माय फुट, डू बिलीव दिस। आपने हमारे नाम को अपने पैरों के नीचे कुचल दिया, इस बात का हमें अफसोस नहीं है जनी। डर है तो इस बात का कि कहीं आपके पैरों में मोच तो नहीं आ गई। पाकीज़ा, मिस्टर बेशरम, आप रोज मेरे पीछे पड़े रहते हो। हाँ। आखिर आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये बदतमीजी और बेशर्मी का सिलसिला कब जाके खत्म होगा? आज ही कल से यहाँ आना जाना छोड़ देंगे। वेरी गुड, दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे आपको, बस एक चुम्मा दे दीजिए। शट अप, उधार मांग रहे हो? उधार का मतलब समझती है आप? आज आप चुम्मा देंगे, मैं कल वापस लौटा दूंगा। देखिए, मैं बड़ा खानदानी आदमी हूँ, हम लोग कोई भी चीज किसी से एक बार लेते हैं उसको बड़ी ईमानदारी से लौटा देते हैं, समझ रही आप? ऐसी बातों को तो मैं बहुत जल्दी और अच्छी तरह से समझती हूँ, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या? वो क्या है कि मैं उधार में विश्वास नहीं रखती। ये जो लेन देन का मामला होता है ना, वो मैं हमेशा नगद में करती हूँ। नगद बड़ी अच्छी चीज होती है। हाँ। कहाँ से शुरू करेंगे आप? यहाँ से कि यहाँ से? कहीं से भी चलेगा। क्या बात कर रही हैं आप? सच्ची तो कह रही हूँ। ये है तो नगद जरूर, मगर सिक्का जरा खोटा है। लगता है आपका चुम्मा देने का इरादा नहीं। चलिए मैं ही खुद ले लेता हूँ। उधार दे दे, एक
गांव की बिजली गिराए, मैं पास आऊं तो नखरे दिखाए। तो चार जाम दे दे अपना हाथ दे दे, मेरे हाथों में तू अपना हाथ दे दे, और बदले में बंबई गुजरात ले ले, और बदले में बंबई गुजरात ले ले। अर्ज किया है इशार, इशार। शुक्रिया। शिकार उसने किया, शिकार उसने किया, वाह वाह। शिकार उसने किया, दिल को तार तार किया, वाह वाह, क्या बात है। शिकार उसने किया, दिल को तार तार किया, बुरा किया अनवर जो किसी लड़की से प्यार किया। जिएंगे साथ साथ, मरने की कस्में खाई थी, जिएंगे साथ साथ, मरने की कस्में खाई थी, यही समझ कर तो अनवर ने एतबार किया। शुक्रिया 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 शुक्रिया। अमर रोहित मियां, इन खेलने खाने के दिनों में ये आंसुओं की धारा क्यों? क्या बताऊं अनवर, मैं भी तेरी तरह इश्क में पड़ गया हूँ रे। माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन मेरे इश्क की दुकान तेरी मदद के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। अनवर, मैंने सुना है कि लड़कियों पर लव लेटर का बहुत भारी असर होता है, खासतौर पर जब वो उर्दू में लिखा हो। मैं कुछ समझा नहीं रोहित मियां। उर्दू की मिठास लड़कियों के दिलों को चीर देती है अनवर। शुक्रिया शुक्रिया। अनवर, तुझे मालूम नहीं तू क्या चीज है? तू जिस कागज को हाथ में पकड़ता है ना, वो अपने आप को खुशकिस्मत समझता है कि अनवर मुझे काला। शुक्रिया शुक्रिया। तू जिस कलम को उठाता है, वो अपने आप पर नाश करती है कि मैं अनवर की उंगलियों में खेल रही हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। अरे तू जिस स्याही से लिखता है ना, तेरे ख्यालात पे कुर्बान होने के लिए स्याही की बोतल अपना मुंह फाड़े बैठी रहती है। शुक्रिया शुक्रिया। अनवर, ख्यालात तेरे का तेरा, उठा कलम। उठाता हूँ, लिख लिखता हूँ। डैडी, ये आप क्या कर रहे हैं? गाड़ी साफ कर रहा हूँ। डैडी, ये गाड़ी लोहे की बनी हुई है, कोई कागज या मोम की नहीं, जो आप इसको इतना आहिस्ता आहिस्ता साफ कर रहे हो। मालूम है मुझे कि ये लोहे की गाड़ी है। आता ना, जोर से घसूंगा तो इसका पेंट नहीं निकल जाएगा, और तू गैरेज वालों को नहीं जानती है, पेंट का नाम ले तो इंजन बाहर से खोल देते हैं। कसम से, अगर कभी कंजूसी का कंपटीशन हुआ ना, तो आपको गोल्ड मेडल मिलेगा, गोल्ड मेडल। तो मेरी कंजूसी से घर में गोल्ड मेडल आएगा ना, कुछ जाएगा तो नहीं? चल डैडी, खुद के बाल नोचे। मेरे बाल नोचेगी? हम का नहीं आम है बैठाई के बैगन वहावे चल जाए, हम का नहीं आम है बैठाई के बैगन वहावे चल जाए। तेरा बैल है अड़िया सड़िया, मुरा बैल है तेज, हमरे बैल पे हो के सवार हो भैया, चल बैगन के खेत, हम का नहीं आम है बैठाई के। अबे कहां अंदर घुसा जा रहा है, हट जाओ सामने से, हम नौकरों के मुंह नहीं लगते। नौकर?
अबे मैं तुझे नौकर लगता हूँ? तो खुद को साहूकार समझते हो क्या? हा? अंदर मालकिन ने दूध लाने के लिए कहा, पहुँचाने जा रहा है, बार बार रोक रहे हो, रिश्वत में दूध चाहिए क्या? अगर हम दुकानदार जाएंगे देने तो हमको रिश्वत में दूध पिलाएगा का? अरे तुम तो हमारे तरफ की भाषा बोल रहे हो, कौन जिला पड़ता है? घौसी। घौसी? तब तो तुम हो हमारे पड़ोसी, हम हंडिया के हैं। रहो, ये सब हम बाद में करेंगे। अच्छा एक बात बताओ मालिक काका। मालिक काका? चलो माली ही सही। है? मालिक है नहीं, बाहर गए घूमने। बेटी होगी? अंदर है। एक बात बोले सच्ची? बहुत कमाल की चीज है। फिगरवा देखा है? फिगरवा समझते हो कि नहीं? कमाल का फिगरवा है, उसको जब भी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इसको उठा के यहाँ से ले जाए और गांव में ले जाकर जाने में उसके साथ प्यार अच्छा है। अरे तुम उसके बाप के बराबर हो, तुम क्या करोगे? वो हमारा डिपार्टमेंट है, ये क्या भरतनाट्यम कर रहे हो? अरे एक मामूली दूध वाला होकर इतनी लंबी जबान। अरे तुम हमारे सामने जब इतना ओपन हो ही गए तो हम भी टोटल ओपन हो जाते हैं। अरे हम दूध वाला नहीं हूँ भाई, ये देखो हम उस लड़की का आशिक हूँ। अरे बहुत दिनों से ससुरी को पटाने की कोशिश कर रहे हैं, साली हाथ ही नहीं आ रही, सोचा आज जाके इसको चिट्ठी दे दे। गांव खड़े के आदमी, हमारा इतना काम तो कर ही दो, उसकी चिट्ठी पहुंचा दो यार। पहुंचाए दे तो अब देखो हम किसको कहां पहुंचाते। डैडी, डैडी, ये तुमको डैडी डैडी कहे को बोल रही है? ये हमारी बिटिया है। क्या बात कर रहे हो, तुम्हारी बिटिया है? तो पहले बोलना चाहिए ना, इतनी देर से बतिया कह रहे हो। अरे बताना चाहिए ना घर में कौन बिटिया है, कौन भाई है, कौन नौकर है, ये भाई साहब कौन है? हिम्मत कैसी हुई गुजरे की? और ये क्या? ये वो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे बेटी तू खाम खान नाराज हो रही है, दरअसल मैंने भी है ना तेरी माँ को बिल्कुल ऐसे ही है। क्या? मगर मैं तो खाली हाथ गया था और ये उल्लू का पट्टा पूरा दूध भर के दे गए। क्या हुआ? मैं समझा था दुनिया में मैं ही 420 हूँ, ये लुच्चा तो 840 निकला। ये तू क्या मेरे को कुत्ते का पिल्ला समझता है जो इस तरह से बुलाता है? कैसी बात करते हैं सर, मैं तो आपको खुशखबरी सुनाने आया था। आपके तो दिन बदल गए सर। क्या बात करता है? हाँ सर, ये लड़कियों की तस्वीरें देखना बंद कर दीजिए, आज आपके जीवन में संसार की सबसे सुंदर स्त्री आने वाली है। और इतना ही नहीं, वो आपको कुछ चीज भी देके जाएगी। तुझे कैसे मालूम? मैंने सपना देखा है। अरे बेवकूफ, सपने भी कभी सच होते हैं क्या? मेरे होते हैं, मेरे होते हैं। आप कैंप में किसी से भी पूछ लीजिए, मैंने जिसके बारे में जो सपना देखा है वो हुआ है। एक बात बता, वो लड़की मेरे को क्या देकर जाएगी? ये मैं नहीं बता सकता सर। देखे अगर तूने नहीं बताया ना तो मैं तेरे को रस्सी कट कर दूंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मेरा ये सपना सच होने वाला है। और फिर ये तस्वीरों वाली बात। गुड मॉर्निंग सर। आज आपके जीवन में संसार की सबसे सुंदर स्त्री आने वाली है। और इतना ही नहीं, वो आपको कुछ चीज भी देके जाएगी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? यस यस, आइए 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 आइए। हेलो सर, सर मैं आपको कई दिनों से देख रही हूँ। मुझे? हाँ, आप कितने अच्छे हैं, कितने शरीफ हैं, कितना डिसिप्लिन है आप में, मैं आपको बहुत एडमायर करती हूँ। एक आप है और एक सर, मुझे बहुत शर्म आ रही है बताने में, मैं आपको क्या बताऊं, आप बस इस खत को पढ़िए। जान, इस खत को पढ़कर नाराज मत होना, क्योंकि इस खत में अल्फाजों की जगह अपने दिल के छोटे छोटे टुकड़े बिखेर कर आपकी खिदमत में पेश किए मैंने। जान मेरा यकीन करो, जब से तुम्हें देखा है ना दिल को चैन है ना करार, मेरे देखने से तुम्हें गुस्सा भी आता होगा। हाँ, लेकिन नाराज मत होना जान, ये मेरा प्यार है, सिर्फ प्यार है जान, मेरी मोहब्बत को मेरा नजराना समझकर कबूल कर लो। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पढ़ लिया आपने सर? हाँ पढ़ लिया मैंने, पढ़ लिया सर। मुझे इसका जवाब अभी और इसी वक्त चाहिए। अभी? हाँ। और इसी वक्त? हाँ।
कहता हूं नेक काम में देरी किस लिए। ये तुम्हारा खत और ये है मेरा जवाब। बड़े बदतमीज किस्म के आदमी आप। मैंने आपके एक स्टूडेंट के बदतमीजी का जवाब मांगा और उसके बदले में आप मुझे ये लिख कर देते कि आपको मुझे शादी करनी है। हाँ। बड़े घटिया किस्म के आदमी आप। नहीं नहीं मैं आप बड़े मिल के भेजो स्टूपिड। खड़क सिंह ये सब क्या है। वही सर जो आप देख रहे हैं। सर अगर आप भी मेरी जगह पर होते और ये आपसे जवाब मांगती तो आप भी यही जवाब देते जो मैंने दिया है। सर मुझे गलत फहमी हो गई। ये क्या यू यू लगा रखा है। आप रोहित तुझे नहीं बुलाते जिसने मुझे खत लिखा है। रोहित बात सारी समझ में आ गई सर। ये हरकत रोहित की है। उसने अपनी जान बचाने के लिए मुझसे कहा कि एक खूबसूरत लड़की आएगी जो तुम्हें कुछ देकर जाएगी। मुझे क्या मालूम था कि वो उसी की चिट्ठी देकर जाएगी। इस फ्रॉड सर रोहित को बुलाइए सर। सर आपने मुझे बुलाया सर। रोहित क्या ये सच है कि तुमने इनके घर जाकर ये खत इनको दिया था। एक मिनट उधार वाला चुम्मा है ना प्यार से दे दो वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। शट अप। सर ये कौन है मैं इनको नहीं जानता और ये खत मैंने इनको नहीं लिखा। और अगर आपको मेरे कैरेक्टर के बारे में जानना है तो आप खड़क सिंह जी से पूछिए। ये मुझे तब से जानते हैं जब मैं चड्डी में घूमता था। अरे चड्डी में घूमने का और खत लिखने का क्या ताल्लुक है। ताल्लुक है सर उसकी मतलब बिल्कुल बताइए बिल्कुल झूठा इंसान है। आप है कौन जो मुझसे बार बार इल्जाम पे इल्जाम लगा जा रही है। सर आप इस खत को ठीक से पढ़िए। क्या इस खत की हैंडराइटिंग मुझसे मिलती है। क्या मैंने कभी किसी से शादी की है यहाँ पर। नहीं नहीं ये तो अनवर की है। तो आप अनवर को बुलाइए सर। तुम क्या जा रहे हो। मैं कहाँ जा रहा हूँ। आइए आइए अनवर मियाँ तशरीफ लाइए। आदाब अर्ज। भाई अनवर मियाँ क्या खूब लिखते हैं आप। शुक्रिया शुक्रिया। और हैंडराइटिंग भी कमाल की है। शुक्रिया शुक्रिया। बस आप सीधे हो जाइए हुजूर। और ये बताइए कि ये खत इन मोहतरमा को आपने लिखा था। सर मैंने इनको नहीं लिखा था। तो बल्कि इनकी बेपना चाहत की गहराइयों को मद्देनजर रखते हुए ये खत मैंने इनकी नजर किया था। कोई भी गड़बड़ की ना तो सबको बता दूंगा कि तेरे साथ बस में क्या हुआ था। अनवर तू डर मत। तू सर को सब सच सच बता दे कि ये खत किसने लिखा था। मैंने लिखा था सर। सर ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है सर। आप चुप रहिए। आप मेरे दोस्त को डराने की कोशिश कर रही हैं। अनवर ये खत इनके घर किसने पहुंचाया था। मैंने पहुंचाया था सर। नहीं पहुंचाया। सर अनवर तुम ऊपर से इतने शरीफ और अंदर से इतने बदमाश हो इसकी सजा मिलेगी। शुक्रिया शुक्रिया। अनवर मेरे भाई कैसा है तू। रोहित मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। अगर तेरे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी इज्जत है तो किसी को मत बताना कि मेरे साथ बस में क्या हुआ था। बात करता है तू अनवर। आज तक मैंने कभी किसी से बताया कि तेरे साथ थिएटर में क्या हुआ था। तू भाग अनवर तू भाग। और तू देख मैं तेरा बदला लेने के लिए क्या करता हूं। पहले तुम ये तो बताओ कि तुम हो कौन। मैं एक बंजारन जंगल में जा रही थी सांप मारे पीछे पड़ गए। मारी जान बचाने के लिए मैं तुम्हारे टेंट में घुस गई। अच्छा मैं चलती। अरे ठहरो ठहरो आज की रात तुम यहीं पर रुक जाओ। बाहर तो बहुत बड़े बड़े सांप हैं कहीं तेरे को डस लेंगे। तुम्हारी बात में एक पॉइंट है लेकिन तुम मेरे पर इतना प्रेशर डाल रहे हो तो मैं इधर रुकने के लिए तैयार हूँ पर मारे में भी एक फॉल्ट। क्या फॉल्ट है। मेरे को रात को गरबा खेल कर सोने की आदत है। तुम्हें मेरे साथ गरबा खेलोगे। खेलेंगे खेलेंगे। तुम्हें एक कुंवारे मारवाड़े छाजो रे मारवाड़ा मारवाड़ी में लाव जो रे मारवाड़ा। तुम्हें एक कुंवारे मारवाड़े
आपने? एक दम नहीं खेल सकते, नहीं खेल सकते अभी। इंसाफ मिलेगा अगर यहाँ ये एक कसाई है तो आपके इतने सारे भाई हैं, आपको इंसाफ दिला कर रहेंगे और पुलिस को बुला कर रहेंगे। पुलिस? अरे इंस्पेक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैं एकदम शरीफ इंसान हूँ। अरे इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर। अरे बेवकूफ खड़क सिंह, कुछ किए बगैर ही हवालात में आ गया। ए नरस, क्या है? तो मेरे को एक बात पूछूं? क्या पूछना है? तमेरे लोग मेरे को इधर काई को लेके आए हैं। खामोश, इधर ज्यादा बात नहीं करने का। तुम्हारा बलात्कार हुआ है ना, अभी तुम्हारा मेडिकल चेकअप होगा। चेकअप? तमेरे से दूसरी बात पूछूं? तमेरा हार्ट स्ट्रांग है ना? क्यों? नहीं, धक्का लगने का चांस है। देखो जो भी कहना है मिसेस गायकवाड़ से कहना, वो अभी आती होंगी। मिसेस गायकवाड़ बेचारी सूकर से, धक्का तो उसको भी लगेगा ना बेचारी को। हल्का साला, मेला मर्द लोगन को बहुत सर्दी है, अगर पलटकार करने की टाइम जरा शर्म नहीं आता ही लोगन को। चला कपड़े काटा। तो मेरे को मेरे पे दया आ रही है। ओ बाबा आती है। मेरे को पर तो मेरे लोग पे दया आ रही है। क्यों? तो मेरे लोग मेरा सिर्फ ऊपर ऊपर से चेकअप कर डालो। कब बस? अगर जब तक हम तुम्हारा चेकअप नहीं करेंगे तो हलकट मुथर खड़ सिंह को सजा कैसे दिलाएंगे? चला काड़ा काड़ा। मैं हाथ जोड़ के तुम मेरे से विनती करती हूँ, तुम लोग सब अच्छे घर की लड़की हो, मेरा चेकअप करके अपनी जिंदगी खराब मत करो। मैं हाथ जोड़ती हूँ बाबा। शर्माती है, शर्माती है। चला हाथ पाई पकड़ा। हे जीवे डॉक्टर ने पकड़ा लड़ा तन जकड़ा, जकड़ के मेरे को गिरा दिया, गिरा के मेरा चेकअप किया और खुद का सच्चा दिया। नाश किया, खुद का सत्यानाश किया और बाकी को जिंदा लाश किया, बाकी को जिंदा लाश किया। हे गिरे गिरे। हाय हाय वालियां वाले, ओए पियो कालू। वो थोड़ा खुल के से मिल के आता। क्या भगवान जा, ओ ठहर, ओ गुल्लक तो लेती जा। एक्सक्यूज मी। यस। सुनिए, मेरे दोस्त लोग हैं ना, आपकी पर्सनालिटी के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, जरा प्लीज बताएगी आप में एग्जैक्ट खूबियां क्या है? बताओ। हाँ ये ले। मैंने आपके हाथ की खूबियां नहीं पूछी थी। हट जाओ मेरे सामने से, मैं कहती हूँ हट जाओ। I said just get out. Hey, लड़की को छूना तो दूर की बात है, पहले इस बॉल को तो छूकर बताओ जो तुम्हारा अपना है। चल रहे। क्या है? बिल। काय का बिल? हमने तो कुछ खाया भी नहीं। जो खाया नहीं है उसका बिल नहीं है, जो खाने वाला है ना उसका बिल है। पढ़ पढ़। एक तार, एक आँख, हाँ बराबर, एक पाँव की नली, आगे बढ़, एक रीढ़ की हड्डी, हाँ निकलता जा, एक फसली की हड्डी, हाँ चल चल, एक भेजा और भी है, एक अतरी, हाँ बिल दे रहे इसका। तूने लगाया ना, बिल भी तू ही चुकाएगा। ए, जा बोल दे।
ए तुझे बॉल की पड़ी है मेरे हाथ की नहीं? ओ भगवान, पहले बॉल तो लेने दे, फिर तुझे भी छुड़ा लेंगे। ए घर में जाकर लड़ना, बॉल चाहिए ना? हाँ। ये ले। ओ छूट गया। तू बॉल से मारेगा? बॉल से? तेरे को मैं चाकू से मारूंगा, चाकू से। ए भाजी काटने की छुरी किसी और को दिखाना। जाता है क्या अभी? बकरियों की तरह मैं क्या कर रही हूँ? खूबसूरत लड़कियों को इस तरह के कपड़े पहनकर स्विमिंग करने का कोई हक नहीं है, और स्विमिंग करने का बहुत शौक है ना, तो घर के सामने एक खड्डा बनाओ, उसमें कूद जाया करो। वो कंजूस का है। कौन? तुम्हारा बाप। उसको बोलो कि उसके क्लब के पैसे बच जाएंगे। ये तो अच्छा हुआ कि मैं तुम्हें छेड़ने के लिए यहाँ चला आया, वरना पता नहीं क्या होता। रोहित, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें गलत समझा। अरे इस तरह खड़े खड़े तुम अपने अफसोस को जाहिर मत करो ना, बैठ के चाय पीते पीते सॉरी बोलो, आओ ना। चीयर्स। ये नसीब से नसीब टकराने की शुरुआत जो होती है ना, वो चाय से ही होती है। देखो ना, जब कोई लड़का किसी लड़की को देखने के लिए जाता है तो लड़की बड़ी शर्मा कर हाथों में ट्रे लेकर आती है और कहती है कि चाय लेंगे आप? Don't you think this is right? I think you are. वो देखो वाले वाले कैसे अपनी हीरोइन को हीरोगिरी बता रहा है। हाँ रे, चल इसकी हीरोगिरी निकालते हैं। चल रे। ओए होट बहुत खूबसूरत है। चाय पिए? ओह शिट। ओ भाऊ खड़े बे, अबे वादा किया था कि मान खाने का 2000 देगा, और अब 500 रुपए में टरकाता है। क्या? और ये ले तेरा 500 रुपए नहीं चाहिए। क्या बकवास करता है सीमा, मैं लोगों को जानता तक नहीं। चलिए मत, मैं आपके पैरों को हाथ लगा रहा हूँ। ये बड़ा चीटर है, इसने कहा था कि आपके सामने जूटी मोटी मार खाने का 2000 दूंगा, अब सिर्फ 500 मीटर का रहा है। तुम यूज कहीं का? चल भगवान चल। मुझे तुमसे ये उम्मीद थी। सीमा कुत्ते कमीने। अभी होट अच्छे लग रहे थे और अभी कुत्ते कमीने। सुनिए मैं चाय पी लूं। चल तेरी माँ की हाथ निकल। देख उस लड़के से हमारी जान पहचान भी नहीं थी, लेकिन उस मुए के सारी हीरोगिरी निकाल दी। ओए वालिया वाले, 500 रुपए गए तो कोई गम नहीं, लेकिन ये तो देख कैसे हमने लड़की को लड़के से अलग कर दिया। एक चुम्मा तो मुझसे उधार ले ले।
दिखाई नहीं देता। एक चुम्मा तो मुझसे उधार ले ले। चल हवा में चल। कमाल करते हो तुम भी, सारी गलतफहमियां दूर हो गई, प्यार हो गया, अब मुझसे दूर भागने का मतलब? जो समझ ले। आयो रब्बा, इतने लखा वाली जहाँ चली गई और तेने तो कोई फर्क ही नहीं पैंदा, ये चंगी गल नहीं है। हाँ ज्यादा शानी मत बन, हट सामने से। तो क्या मैं पीछे पीछे नहीं आ सकती? चल जा चल जा जा, भाव खाता है। आंसू बहा रही है। नाटक। इधर 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 इधर, हट मेरे सामने से। तो क्या मैं तेरे पीछे पीछे नहीं आ सकता क्या? चल जा चल जा।
अरे जा ना तेरे ऐसी के तेरे घर हट। एक चुम्मा तू मुझको उधार दे दे, सीमा इतनी सी थी जब इसकी माँ परलोक सिधार गई, तब से मैंने इसको माँ और बाप दोनों का प्यार देकर बड़ी कंजूसी से पाला है मैंने इसको। नहीं नहीं मतलब बड़े नाजों से पाला है मैंने इसको। इसकी हर खुशी को अपनी खुशी समझा, इसके हर खर्चे को अपना नुकसान समझा। भाई मुझे ये रिश्ता मंजूर है मुझे। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। क्या भाई शादी इसकी हो रही है, तुम कह के लिए शुक्रिया 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 कर रहे हो? चलो कर रहे हो तो लो मिठाई खाओ। कैसी लगी? लेकिन चाचा जान आपने तो मिठाई खिलाई नहीं। खिलाने वाले की नियत देखनी चाहिए, उसका हाथ नहीं देखना चाहिए। नियत थी ना तो मिठाई की क्या जरूरत। चाचा जान ऐसी मिठाई मैं आपको खिलाऊं? मैं नहीं खाता, मुझे डायबिटीज है। हैं? अंकल अंकल क्या? मैं अपने मम्मी डैडी को ले आता हूँ और उनके आते ही मंगनी। अरे कमाल के आदमी हो, मंगनी भी खर्चा करोगे? नहीं 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 मंगनी को मारो गोली, आते महीने की 15 तारीख को मांगने के पैसे में ही शादी कर डालते हैं। अरे भाई आप वहां रखिए, चलिए देर हो रही है। बेटी तू क्या कर रही है, तू भी तो तैयार नहीं हुई, बारात जाने का वक्त हो रहा है। जगमोहन जी बोल रहे हैं। जी बोल रहा हूँ। आपको एक बहुत बुरी खबर देनी है, जिस बस से बारात आ रही थी उसका एक्सीडेंट हो गया है। बस का एक्सीडेंट हो गया? और जितने भी बाराती थे सभी सब मारे गए। मारे गए क्या? और डॉक्टर रोहित को बचा नहीं सके? अगली वो खबर झूठी थी। हाँ ये देखो मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, सही सलामत हूँ, जिंदा हूँ और तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। ये देखो ये वही हाथ है, ये वही हाथ है जो तुम्हारे थप्पड़ को रोक लिया करते थे, ये वही आँख है जो तुम्हें देख के मिच लिया करता था मैं, ये वही होठ जो तुम्हें देख कर सिटी पे जाया करते थे। तुम आराम करो, तुम आराम करो, मैं फिर तुम्हें देखने आऊंगा। तुम आराम करो, मैं आऊंगा। मिस्टर अमर, सीमा को ठीक करने के लिए ऐसा कौन सा इलाज है जो हमने नहीं किया, लेकिन तुम्हारी एक नजर ने जो काम किया है उसके आगे हम बेबस हो गए। थैंक यू डॉक्टर। अब तो सीमा का एक ही इलाज है। रोहित, मिस्टर अमर, बड़ी मेहरबानी होगी इस गरीब बाप पर अगर आप सीमा की जिंदगी में रोहित बनकर आए। और ये क्या कह रहे हैं आप? मैं आपके वक्त की कीमत को जानता हूं मिस्टर अमर, लेकिन एक मासूम की जान से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं होती। और जब उसे असलियत का पता चलेगा तो उस मासूम की जान का क्या होगा, जानते हैं आप? उसकी जान जा सकती है। नहीं नहीं बेटा, ये नौबत आने से पहले मैं उसे समझा दूंगा कि तुमने जो भी किया उसे एक नई जिंदगी देने के लिए किया, तब तक उसमें ये दर्द सहने की ताकत भी आ जाएगी और उस लायक भी हो जाएगी। पर तब तक मैं उसे ये भी बता दूंगा कि उसका रोहित जिंदगी में नहीं रहा। नहीं नहीं वो सब कुछ नहीं, मैं इस तरह किसी के जज्बात के साथ नहीं खेल सकता, ये नामुमकिन है। यक मैं तुम्हें दे रहा हूं, मैं एक बाप होकर अपनी बेटी को धोखा दे रहा हूं, क्या करूं, मजबूर हूं, बहुत बहुत ज्यादा मजबूर हूं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, मैं दामन फैलाता हूं, मेरी बेटी की जिंदगी मेरी झोली में डाल दो, मैं तुम्हारे पैर। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप? ठीक है ठीक है। Thank you.
गाड़ी क्यों रोकी तुमने? तुम्हें याद नहीं, हम यहाँ अक्सर मिला करते थे। हाँ 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 रोहित, मैं वो पेड़ ढूंढ रही हूँ जिस पर हमारे नाम लिखे थे। कहाँ गया? मिल गया रोहित, देखो। ठीक हूँ। आप मिसेस गायकवाड़? भूल गया क्या मेरे को? मिसेस गायकवाड़, अरे जब मेरे को मालूम पड़ा ना तू जिंदा है ना, मैं बहुत खुश हो गई। लेकिन जब मैंने सुना कि तू मर गया है, अरे मैं रोज रोज सोच सोच के रोती थी। कितना हलकर था रे तू, कितना रुलाए मेरे को, याद है? तू लड़की बनकर आया था एक दिन हॉस्पिटल में। कंग्रेचुलेशन सीमा, तेरे को तेरा चालू मिल गया। आज शाम को हम लोग एक पार्टी रख रहे हैं। मी आएगी ना? हाँ मी आएगी, ऐसे की सब मी आएगी। गायकवाड़, हाय, पर मी आ गई ना। जरा वापिस चला तू, चल 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 चल, रखो इधर, तुम जाओ जरा हवा खा के आओ। भाई साहब आप जरा चलेंगे, जरा घर की बात है। क्या है भाई, मेरा दीवाला खसकाओगे? ये इतना बड़ा बड़ा पैक बना के दे रहे हो, क्या नहलाओगे लोगों को? सर लोग मांग रहे हैं तो मैं क्या करूं? लोग मांगेंगे तो क्या पूरा बार उठा के दे दोगे? यहाँ ये विस्की, जिसने ज्यादा नहीं चूसकी उसकी जिंदगी दुनिया से खिसकी। जिंदगी दुनिया से खिसकी जी, इसको ज्यादा पीने से हार्ट अटैक हो जाता है, लिवर खराब हो जाता है, किडनी फ्लॉप हो जाती है, गुर्दे फ्लॉप हो जाते हैं, दुनिया की हर बीमारी हो जाती है। ज्यादा पीने के बाद सड़क पे जाके बेहोश हो जाता है, घर जाके बीवी बच्चों को मारता है, बीवी बच्चे उसको मारते हैं। विस्की दुनिया में बदनाम हो जाएगी, लोग फिर विस्की से ऐसे डरेंगे जैसे प्लेग से डरते हैं। तू क्या चाहता है, विस्की दुनिया में बदनाम हो जाए? बस कीजिए सर, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, अब आप बताइए मैं क्या करूँ? उठ बैठ करो, और क्या करोगे? नहीं सर, मेरा मतलब है कोई विस्की मांगे तो मैं क्या करूँ? एक काम करो, कोई फुल पैक मांगे तो उसको आधा पैक देना, और जो आधा पैक मांगे उसे उसको खाली सोडा देना पानी मिला के। Just one second. Rohit. I'm so happy to see you. Come, let me just introduce you to my friend. आज की पार्टी बहुत बहुत अच्छी है सर। आपका पहला ग्लास है? मेरा पांचवा है, लेकिन पहले जैसा लगता है। पियो। It's a pleasure to meet you. कैसा है तू? Excuse me, sir. और कैसे मिजाज है आपके? Yes. रोहित, यार मैं तुमको उस जमाने से जानता हूँ जब तुम चड्डी पहन के घुमा करते। बचपन से जानते, जरा सुधार के बोलिए इस बात को। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है, उस दिन तुम्हारा मेडिकल चेकअप हुआ था ना, तो उसमें क्या हुआ था? अरे कुछ नहीं हुआ था, चेकअप हुआ ना, तो उसमें क्या हुआ था? मैं तो खड़ा हूँ सर, काफी देर से खड़े हैं, चलिए जरा घूम के आते हैं। उधर मजा नहीं है? बहुत मजा, आप चलिए तो सही है, ऐसे घूमते हुए चलिए चलिए, ऐसे कुछ कर ऐसे घूमते रहिए। ऐसे पूछ रहा था, उस दिन मेडिकल चेकअप हुआ तो उसमें क्या हुआ था? जी सर, थोड़े से हजरात, इस खुशी के मौके पर मैं अपने दोस्त रोहित की खिदमत में चंद अशार पेश करने जा रहा हूँ, आप सबकी तवज्जो चाहूंगा। एक मिनट, सॉरी सर, माफ करना अनवर भाई, रोहित भाई,
उस दिन तुम्हारा, अरे मेरी बात तो सुनो है, उस दिन तुम्हारा मेडिकल चेकअप हुआ था वो उसके बारे में मिसेस गायकवाड़ बताइए ना। मैं बताती है तुम्हारा ही बात का जवाब सिर्फ मी दे सकती है। देखो भाई, मेडिकल चेकअप हुआ था रोहित का, लेकिन बेहोश मी हो गई थी। इसका मेडिकल चेकअप होने से तुम्हारा बेहोश होने का क्या वास्ता? वो मैं बाद में बताएगी, है कि नहीं? चल मेडिकल चेकअप, अरे चलना। बेहोश मिसेस गायकवाड़ हो गई। हाँ तो अर्ज किया है, वो देख देख हमें जीते हैं, वो देख देख हमें जीते हैं, हम देख देख उन्हें पीते हैं। ये मेरी इजार का नाड़ा नहीं है दोस्तों, मेरे फटे जूतों के फीते हैं। Thank you.
कि बेटा एक बार फिर कहना, तुम मेरी बेटी से। आपके कानों ने बिल्कुल ठीक सुना है, मैं वाकई सीमा से शादी करना चाहता हूँ। सुना, ये हमारे हमारी सीमा से शादी करना चाहता है। बहुत बड़े घर से रिश्ता है हमारी बेटी के लिए, बहुत नेक और शरीफ लड़का, ये वही लड़का जिसने हमारी बेटी की जिंदगी बचाई थी। लेकिन बेटा, तुमने इस बारे में कभी सोचा है कि सीमा को कभी इस राज का पता चल गया कि तुम रोहित नहीं अमर हो तो? आप बेफिक्र रहिए अंकल, मैं उसको सारी हकीकत बता दूंगा। राज चाहे पति का हो या पत्नी का, अगर उसे दोनों के बीच खोल दिया जाए तो बड़कपन होता है, और छुपाया जाए तो धोखा होता है। बात सही कहा तुमने, इंसान भले अपनी जान दे दे मगर किसी को धोखा ना दे। आज मैं हमारी शादी की बात करने तुम्हारे डैडी के पास गया था। रोहित, हम तो बरसों पहले अपने दिलों को जोड़ चुके हैं, तुम मुझे अपनी पत्नी और मैं तुम्हें अपना पति मान चुकी हूँ। सीमा, मैं तुमसे एक सीरियस बात करना चाहता हूँ। क्या बात है रोहित, कोई परेशानी है? अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं रोहित नहीं हूँ तो? क्यों मजाक कर रहे हो? ये मजाक नहीं है सीमा, देखो हम दोनों शादी के कटूट बंधन में बनने जा रहे हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि यही बेहतर होगा कि मैं अपनी जिंदगी की हकीकत को तुम्हारे सामने एक शफाफ शीशे की तरह रख दूं। मैं अमर हूं, रोहित का हमशक्ल। रोहित की मौत ने तुम्हें जिंदा लाश बना दिया था सीमा, जब तुम्हारे पिताजी की नजर मुझ पर पड़ी तो तुम्हें नई जिंदगी देने के लिए उन्होंने मुझे रोहित बनने पर मजबूर कर दिया, और जब तुम मेरी जिंदगी में आई तो मोहब्बत के लिए इतनी ईमानदारी, सच्चाई और नेकी देखकर मैं खुद तुमसे प्यार करने लगा, और आज बात यहां तक आ गई है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। मैं जानता हूं सीमा के रोहित तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन मैं भी रोहित से कम प्यार नहीं करता हूं तुमसे। हाँ। तुम मानो अमन, रोहित तिवारी के सब कुछ जाने के बाद भी तुमने मुझे अपने दिल में जगह दी। इंसान को हमेशा खुली किताब की तरह जीना चाहिए सीमा, इसलिए आज तुम्हें अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा राज बताने जा रहा हूं। दरअसल बहुत दिनों से मैं अपने दिल, अपनी आत्मा पर एक बोझ लिए भटक रहा हूं। बोझ? हाँ सीमा, बोझ। आज से कुछ दिनों पहले अखबारों में खबर आई थी कि मेरे चाचा ने अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, मगर आज तक कोई इस राज को जान नहीं पाया कि वो आत्महत्या नहीं थी बल्कि कत्ल था, और वो कत्ल मेरे हाथों से हुआ था सीमा। क्या? तुम्हारे हाथों खून? हालात ही कुछ ऐसे थे सीमा, मेरी जगह अगर फरिश्ता भी होता तो वो भी यही करता। मेरे घर में मेरे अलावा मेरी मौसी और मेरे चाचा रहते थे। मेरे अनाथ होने के बावजूद मेरी मौसी ने मुझे कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी, और एक दिन शाम को जब मैं ऑफिस से घर लौटा तो मैंने देखा। नहीं, चाचा जी, मैं आपको क्या समझता था और आप क्या निकले? अरे हट! हम पे हाथ उठाया तूने? भूल गया तू इतना ज्यादा? तेरे को पाल पोस कर इतना बड़ा किया हमने, हम पे हाथ उठाया तूने? अभी बता दूं तेरे को। होश में आइए और रिवॉल्वर फेंकिए उस तरफ। चाचा जी, ये क्या कर रहे हैं? चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, रिवॉल्वर मुझे दीजिए। छोड़ दे, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दे, चाचा जी। ओ आ, 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 क्या हो गया?
मौसी, मैं तो रिवॉल्वर छीनता था, ये गोली कैसे चल गई? मैंने जानबूझकर खून तो किया नहीं मौसी, अब हम क्या करें मौसी? मौसी, हेलो पुलिस, पुलिस में सकते ना? मौसी पुलिस को फोन क्यों कर रही हो तुम? पुलिस को फोन करने दे मुझे, अदला ये रिवॉल्वर मुझे दे दे, मैं पुलिस से साफ साफ कह दूंगी कि तेरे चाचा जी मेरी इज्जत लूटना चाहते थे, अपनी इज्जत बचाने में मुझसे खून हो गया, मैं कह दूंगी। नहीं नहीं मौसी, खून तो मैंने किया है, तुम इल्जाम अपने सर पे क्यों लोगी? और ये इल्जाम मैं तुम्हें अपने सर पे लेने भी नहीं दूंगा। तू अगर अपनी जिद पे अड़ा रहा तो मेरी जिद भी सुन ले, मैं अपने आप को गोली मार दूंगी। नहीं नहीं मौसी, तुम अपने आप को गोली क्यों मारोगी? तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? समझ में नहीं आता क्या करे, कहां जाए, किससे मदद मांगे। हाँ अमर, तू किसी की भी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी कॉपी कर सकता है ना, तो फिर चाचा जी की हैंडराइटिंग में खत मैं समझ गया, मैं समझ गया मौसी। जा, ताकि किसी को भी तेरे ऊपर शक ना हो, मैं पुलिस को फोन करती हूँ, जा, जाना जल्दी। और इस तरह हम लोगों ने मिलकर इस कत्ल को खुदकशी का नाम दे दिया। मेरे और मेरे मौसी के अलावा तीसरी सिर्फ तुम हो जिस पर ये राज खुला है। अब तुम ही बताओ सीमा, मेरी जगह अगर तुम होती तो तुम क्या करती? सीमा चुप क्यों हो? तुम्हें नफरत हो गई मुझसे? सीमा, सीपी चंद्रवेदी स्पीकिंग। सर, मैं इंस्पेक्टर सीमा बोल रही हूँ। हमारा मिशन कामयाब हो गया है, अमर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। ये सब क्या हो रहा है बेटा? पहले तेरे हाथों चाचा जी का खून, ये सलाखे, ये मुझ बदनसीब और मनहूस औरत का साया है जो तुझ पे पड़ा है। अरे नहीं नहीं मौसी, तुम अपने आप को क्यों कोस रही हो? ये जो कुछ भी हुआ है मेरे जुर्म की वजह से थोड़ी हुआ है, ये मेरे सच भूलने की वजह से हुआ है। दिल का अच्छा हो ना, दिमाग वाले फायदा उठा ले। तूने मेरी खातिर अपनी जबान बंद रखी, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं दुनिया से चिल्ला चिल्ला कर कहूंगी कि मेरी नहीं नहीं मौसी, ये जुल्म मत करना तू मुझ पर। फांसी के तख्ते पर चल जाने की हिम्मत है मुझ में, मगर इतनी ताकत नहीं है कि मैं कि तुमसे पूछे जाने वाले वकीलों के गंदे और घिनौने सवालों को सुन सकूं। कसम है तुम्हें मेरे सर की, तुम इस राज को राजी रखोगी मौसी? री औरत, वाह क्या रूप दिखाया है तूने! मेरे अमर के साथ इतना बड़ा धोखा किया, मेरे बेटे ने तुझे क्या समझा और तू क्या निकली? सर क्या झुकाती है, आंखें मिलाकर बात सुन डायन। आप होश में तो हैं? मेरे अमर को सजा दिलवाकर तू जितने चाहे मेडल जीत ले, लेकिन इस अबला की बद्दुआ है तुझे कि भगवान करे तेरी गोद कभी न भरे, तू औलाद को तरसे, तब तुझे पता चलेगा, पता चलेगा तुझे।
औलाद का दर्द क्या होता है। एसीपी साहब, हम प्रेस वाले ये जानना चाहते हैं कि पुलिस वालों को कैसे शक हुआ कि रामकुमार सक्सेना ने खुदकशी नहीं की। अदल से दो दिन पहले मेरी रामकुमार सक्सेना से मुलाकात हुई, अच्छा खासा आदमी लगा। एक पल भी ये एहसास नहीं हुआ कि ये आदमी जिंदगी से या बीमारी से तंग आकर कभी खुदकुशी कर सकता है। हंस रहा था, हंसा रहा था, पर अचानक उसकी खुदकुशी की खबर सुनने के बाद शक हुआ और हमने उसके कत्ल की तहकीकात शुरू कर दी। कैसे? हमने एक मनगढ़ंत प्रेम कहानी बनाई जिसका हीरो रोहित नाम का एक कैरेक्टर था जो सीमा से प्यार करता था, और रोहित की मौत की खबर सुनने के बाद सीमा को सदमा पहुंचा और वो कोमा में चली गई। अब ये जो सीमा का रोल है वो मेरी बेटी इंस्पेक्टर सीमा ने किया, और मैंने एक भिखारी गरीब मजबूर बाप का रोल किया, आपने डॉक्टर का रोल किया, आप खड़क सिंह बने थे, आपने मेजर का रोल किया, ये मिसेस गायकवाड़ बनी थी, और अनवर जो मरे हुए रोहित का दोस्त था। अमर सक्सेना ने इस कहानी को सच मान लिया और वो सीमा को नई जिंदगी देने के लिए रोहित बनने को तैयार हो। लेकिन उस खत का क्या हुआ जो खुद रामकुमार सक्सेना ने खुदकशी से पहले लिखा था? वो खत ही था जिसकी बदौलत हमारी छानबीन शुरू हुई, और मेरा शक यकीन में उस वक्त बदला जब अमर से सीमा ने अपने ही क्रेडिट कार्ड पर अपनी सिग्नेचर की नकल करवाई। जो इंसान बिना प्रैक्टिस किए किसी की सिग्नेचर की हूबहू नकल कर सकता है, वो अपने चाचा की जायदाद हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता है। सर, इस केस में अहम भूमिका निभाने वाली मिस सीमा का इस कॉन्फ्रेंस में न आने का कारण क्या है? डैडी, जिन हालात में अमर के हाथों अपने चाचा का खून हुआ तो क्या गलत हुआ? मैं आपसे पूछती हूँ, अगर आप अमर की जगह होते और मेरी इज्जत पर बराती तो जज्बात में आकर आप क्या करते? मैं जाके पुलिस को सब कुछ सच सच बता देता, अपने जुर्म का इतराफ करता, मगर अमर ने फरेब किया, धोखा किया। उसने एक मरे हुए इंसान की लिखाई की नकल की, उसके मर्डर को खुदकुशी साबित किया, और कानून को धोखा देकर समाज में इज्जतदार इंसान बनकर रहने लगा। That's a bloody crime. He's a criminal. वो मुजरिम है। उस मुजरिम को ऐसी सख्त सजा दिलाऊंगा ये उसकी आत्मा कांप उठेगी, याद रखना। Okay. I wish you all the best, sir. एक तरकीब है जिससे मैं अमर को कम से कम फांसी की सजा से तो बचा ही सकता हूं। कौन सी तरकीब वकील साहब? मुझे ऐसे सबूत और ऐसे गवाह इकट्ठे करने होंगे जो ये साबित कर सके कि अमर के दिमागी हालत ठीक नहीं है, और कत्ल करते वक्त वो अपने होश और हवास में नहीं था, या यूं कहिए कि अमर पागल है। योर ऑनर, अमर को फांसी के फंदे से बचाने के लिए ये मेरे काबिल दोस्त की एक चाल है जिसके तहत इन्होंने इसे पागल करार देकर अदालत में खड़ा कर दिया है। योर ऑनर, मैं अमर से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है? हाँ तो अमर। हाँ तो वकील साहब। ये बताओ, तुमने अपने चाचा का कत्ल क्यों किया? ऐसी बात करते हैं आप वकील साहब, चाचा और भतीजे का रिश्ता तो वैसा होता है जैसे अंडरवेयर एंड नारा। द रिलेशनशिप ऑफ अंकल एंड नेफ्यू इज लाइक अ रिलेशनशिप ऑफ अंडरवेयर एंड नारा। अंडरवेयर इज बिग, hence it is uncle, Nala is small, hence it is nephew. No underwear in this world can live without Nala, and no Nala in this world can live without underwear. Because they are inseparable, they love each other, they are incomplete without each other, that's why they have to live together. एक साथ धोबी घाट पर धुलने के लिए जाते हैं, एक साथ सूखते हैं, और दोबारा मैले होकर धोबी घाट पर चले आते हैं। अंडरवेयर और नाला से दुनिया को एक ताका सबक लेना चाहिए। जज साहब, मैं वकील साहब से पूछता हूं, क्या आपने अंडरवेयर पहनी है? क्या बकवास कर रहे हो? मैं आपसे पूछता हूं कि आपने अंडरवेयर पहनी है कि नहीं?
बिल्कुल पहनी है। अगर आपने पहनी है तो आप अपने घर में जाकर चेक कीजिए और अपने अंडरवेयर से पूछिए क्या वो नाड़े के बगैर रह सकती है। नहीं, वो छत से नीचे गिर जाएगी। और आप अपने नाड़े से पूछिए क्या वो अंडरवेयर के बगैर रह सकता है। अगर अंडरवेयर ही नहीं पहनी है तो नाड़ा पहनने का फायदा क्या है। मैं आपसे पूछता हूं वकील साहब, आप भूल रहे हैं कि आप भी किसी की अंडरवेयर है और आपका भी कोई नाड़ा है। जज साहब, आप इस नाड़े को देखिए, आपको लगता है कि यह नाड़ा अपने हाथ से अपनी अंडरवेयर का गला घोट देगा। ये लोग मुझ पर फजूल के इल्जामात लगाए जा रहे हैं जज साहब। मैं सच कहता हूं, मैं भगवान की कसम खा के कहता हूं कि मैंने किसी अंडरवेयर का कत्ल नहीं किया है। यह नाड़ा बेकसूर है जज साहब, यह नाड़ा बेकसूर है जज साहब। I object, Your Honor. आप एक घटिया किस्म की अंडरवेयर हैं। आप नाड़े के जज्बात को नहीं समझ सकते वकील साहब। I object, Your Honor. आप बकवास कर रहे हैं। नाड़े की बात करके अदालत की तौहीन कर रहे हैं। मिनॉर्ड, ये अदालत की तौहीन नहीं है बल्कि एक मासूम इंसान की जिंदगी को तबाही से बचाने की कोशिश हो रही है। एक पागल इंसान के लिए कोर्ट की इज्जत क्या और कोर्ट की बेइज्जती क्या। मैं तो आपसे अर्ज करता हूं कि ऐसे मासूम इंसान को मुजरिम कैसे साबित किया। योर ऑनर, ये दोनों पार्टी पागल हो गई है। मेरे हिसाब से ये दोनों पार्टी को अंडरवेयर और नाड़ा पहनाकर पागल खाने भेज देना चाहिए। यह अदालत तब तक मुलतवी की जाती है जब तक अमर की दिमागी हालत ठीक नहीं हो जाती, और यह अदालत अमर को पागलखाने में रखकर उसका इलाज करने का हुक्म देती है। अगर यारों की जिद है तो अभी सब कुछ बताता हूं। मैं कितना खानदानी हूं, छलक छलक इसकी दिखाता हूं। मैं आया हूं जहां से वो बड़ा ऊंचा घराना है। चुराते हैं मेरे बाकी के रिश्तेदार ब्लू फिल्म में बनाते हैं। मेरे सब यार भी उसका मजा पूरा उठाते हैं। आप तो जानती हैं कि सक्सेना साहब के सारी जायदाद का वारिस अकेला अमर ही है। कितनी हैरत की बात है कि जिस चाचा का अमर ने कत्ल किया उन्होंने मरने से पहले ही अपनी सारी जायदाद अमर के नाम कर दी थी। मेरा जायदाद अमर के नाम हो गई है। मैंने उसे आज तक इसी दिन के लिए जिंदा रखा था
लेकिन अब उसका मर जाना बहुत जरूरी है। वैसे भी पागलों की जिंदगी क्या जिंदगी होती है, वो किसी के काम के नहीं होते, खासकर ये पागल तो धरती का बोझ है, बोझ। बोझ उतर जाएगा, पैसा फेंक, तमाशा देख। अमर नाम का आदमी है, उसे जहर है। नहीं सब नहीं, मेरी नौकरी का सवाल है। मशहूर समाज सेवक और केंद्र मंत्री श्री शैतान सिंह हमारी अदालत में हाजिर हो। सलाम मंत्री साहब। मंत्री सलाम। शैतान सिंह जी सलाम। शैतान जी सलाम। शैतान मंत्री जी, मेरा पहला सवाल है कि आप हमेशा अपने साथ ये कुर्सी लेके क्यों घूमते हैं? सारा लफड़ा झगड़ा जो है वो कुर्सी का ही है ना, तो कुर्सी कैसे छोड़ दें? कुर्सी के मामले में हम अपनी पत्नी पे भी भरोसा नहीं करते हैं। हमारे इलाके में जाड़े में खटिया कम सरकती है, कुर्सी ज्यादा। कोई ढंग का सवाल पूछिए, पागल मत समझिए हमको यार। मंत्री जी, आप पे आरोप है कि आप गलती से ईमानदार बहुत हैं। क्या 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 क्या? आप पे आरोप है कि आप गलती से ईमानदार बहुत हैं। ये आरोप नहीं है, ये साजिश है हमारे खिलाफ। जनता को भड़काने की कोशिश की जा रही है, हमारी इमेज खराब करने का प्रयत्न किया जा रहा है। अपोजिशन वाले चाहते नहीं है कि हम इलेक्शन में जीत पाए, इसलिए सब हमको कहते हैं कि ये ईमानदार है, ईमानदार है। और हम जनता से साफ साफ कह देना चाहते हैं कि हमारे जैसा भ्रष्ट और चालू नेता इस देश में पैदा नहीं होगा। तुम कहीं को बैठ गए यार? हमारे पक्ष के उम्मीदवार बैठ जाए ये हमको पसंद नहीं है। हम थूके ना थूके, तुम डब्बा पकड़े रहो। मंत्री जी, हमने तो यहाँ तक सुना है कि जब आपको खेल कूद का मंत्री बना दिया गया तो आपने खेल कूद की तरक्की के लिए कुछ किया ही नहीं। ऐसा कैसा कह रहे हैं आप, ऐसा कैसा कह रहे हैं? अब हाकी को ले लीजिए, हाकी में जो गड़बड़ हो रहा था हमने चेंज कराया। 22-22 तगड़ा तगड़ा लोग यह बड़ा बड़ा डंडा लेकर एक नन्ना सा गेंद के पीछे पड़ जाते हैं। अच्छा लगता था, अच्छा नहीं लगता। दुनिया भर का झगड़ा होता है, एक गेंद के पीछे पड़ जाते हैं। हमने उसको चेंज कराया, हमने कहा कि हर एक खिलाड़ी को उसका अपना गेंद दे दिया जाए, अपना गेंद पकड़ कर खेलता रहे। खेल का खेल होता रहेगा और गोल भी ज्यादा होगा, वरना डेढ़ डेढ़ घंटा खेलता रहता है, एक गोल नहीं होता। आज तो हम मंत्री महोदय जी को अपने हाथों से दूध पिलाएंगे। ये लीजिए मंत्री महोदय जी। हम किसी ऐरे गैरे नथु खैरे के हाथ का दूध नहीं पीता हूं। अमर, एक मिनट। झुलनी का रंग गड़बड़ हमार पिया, झुलनी का रंग गड़बड़ हमार। अमर, तुम यही समझते हो ना कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है? मैं तुमसे सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि वो धोखा नहीं, मेरा फर्ज था, और उसी फर्ज को निभाते निभाते मैं तुमसे सचमुच प्यार करने लग गई। रियली? एक लड़का था, एक लड़की से बहुत प्यार करता था। एक दिन उस लड़के ने लड़के का दिल मांगा तो मालूम उस लड़के ने क्या किया? अपना सीना चीर के दिल निकाल के उस लड़की के हाथ में रख दिया। तो जानती हो उस लड़की ने उस दिल के साथ क्या किया? तुमने भी ऐसा किया ना उसके साथ?
आदमी आया था मेरे पास, उसने कहा अमर को जहर दे दो, पैसे मिलेंगे। और मैंने 10,000 के लालच में अमर के दूध में जहर मिला दिया। कौन था वो? मैं नहीं जानता मैडम, मैंने पहली बार देखा था उसको। देखने में कैसा था, दिखता कैसा था वो? गोरा सा दाढ़ी वाला था, भूरी भूरी आंखें थी उसकी। मेरा शैडो साथ होगा तू जहां, मेरा अंगन है मैं तुम्हारा क्या काम है, इसकी बीबी लंबी उसका भी बड़ा नाम है। लंबी शानी लंबी शानी लंबी शानी लंबी शानी है, लंबी शानी लंबी शानी लंबी शानी। आप लोग जरा बाहर जाइए, मुझे इनसे कुछ पूछताछ करनी है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी मेरी जिंदगी से। हुजूर आप जाइए प्लीज। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। अमर मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने आई हूँ, तुम्हारी जान को खतरा है। आगे भी खतरा पीछे भी खतरा। अमर तुम्हें मार डालने की कोशिश की जा रही है, जो दूध का ग्लास तुमने फेंका था उसमें जहर मिला हुआ था, जहर। अमर ये तुम्हारे पीछे बहुत गहरी जाल रची जा रही है जिसका तुम्हें कोई अंदाजा नहीं। आखिरी लोग कौन हो सकते हैं? एक हमदर्द होने के नाते मैं तुम्हें। इंस्पेक्टर सीमा और हमदर्द, हर मोड़ पे मिल जाते हैं हमदर्द हजारों। शायद मेरी बस्ती में अदाकार बहुत है। मैं तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि तुमने तो हमेशा मेरे वफाओं के आसमां को फर्श के बादलों से ढका देखा है। इस दौर में वफाओं की उम्मीद जिससे की, आकर उसी के हाथ का पत्थर लगा मुझे। रहा मेरी वफादारी का सबूत, एक कुंवारी लड़की के लिए अपनी इज्जत अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी होती है, और मैंने अपनी इज्जत तुम पर निछावर कर दी है सिर्फ यह साबित करने के लिए कि मैं सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर नहीं एक लड़की भी हूं जो तुमसे बहुत प्यार करती है। Thank you.
कुछ नया बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा मंत्री जी, उस पेशेंट को अंदर भेजो। यस सर। भाई साहब, भाई साहब, साहब ने बुलाया आपको। तुम यहां हॉस्पिटल में क्यों चले आए? मुझे यहाँ कोई मजबूरी खींच लाई है। 48 घंटों में मुझे किसी को 1,00,000 रुपया देने का है। तुम्हारी अय्याशियों को पूरा करने के लिए ये कारोबार खोल कर नहीं बैठा हूं मैं। जो काम मैंने तुमसे करवाया था उसका दाम दे चुका हूं। दोबारा अपनी मनुष्य शक्ल लेकर यहाँ नहीं आना। गेट आउट। अन्ना साहब, एक बार फिर सोच लीजिए।
मुझे उन पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। 1,00,000 रुपए। तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? लोग पैसों के लिए क्या कुछ नहीं करते। अगर तुमने अपनी जुबान खोली तो मैं तो फंसूंगा ही, लेकिन तुम भी नहीं बचोगे। रही 1,00,000 रुपयों की बात, तो अमर की जायदाद मेरी होने के बाद मैं तुम्हारी बात पर गौर करूंगा, लेकिन मेरी जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी तुम्हें नहीं मिलेगी। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है। सुनो लोगो, मैं डॉक्टर हूं। ऑपरेशन के औजारों के साथ साथ और भी बहुत कुछ है मेरे पास। लोगों को तंदुरुस्ती और जिंदगी की सलामती के मशवरे देता हूं मैं, तुम्हें भी जिंदगी की सलामती का एक मशवरा दे रहा हूं। आइंदा ना यहां कदम रखना और ना ही मुझसे रुपयों की डिमांड करना। ठीक है खन्ना साहब, बड़ी उम्मीद लेके तुम्हारे पास आया था। लगता है कोई दूसरा दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। तुम नहीं दोगे तो कोई और दे देगा। ये देश का क्या हाल हो रहा है यार, चारों तरफ वाट लगी हुई है। मुझे यही मालूम करने का था कि तुम पागल नहीं है, पागलपन का नाटक कर रहा है। और यह पागलपन का नाटक तुम अपने अंकल का मर्डर का सजा से फांसी से बचने के लिए कर रहा है। लेकिन तुमको ये सुनकर बहुत शॉक लगेगा कि वो मर्डर तुम नहीं किया, कोई और किया। कौन है वो? किसने किया मेरे चाचा का कत्ल? कल रात 12 बजे शो खत्म होने के बाद हरिदास हॉल में मैं सारा सबूत और एविडेंस के साथ तुम्हारा वेट करेगा, जो तुम्हें फांसी के तख्ते से बचा सकता है। किस तरह के सबूत है वो? सिवाय रुपयों के तुम्हारे साथ और कोई नहीं होगा। एंड रिमेंबर, 1,00,000 रुपी, 1,00,000 वो पहुंच लो। मैंने आपका केस पूरा स्टडी किया है। थैंक यू सर। और मुझे लगता है योर ऑपरेशन आई विल डू इट ऑन मंडे। ओके सर, एज यू विश। अमर, तुम? अंकल, अंकल घबराइए मत। अपने आप को फांसी के फंदे से बचाने के लिए मुझे पागल बनना पड़ा। मैं पागलखाने से भाग कर आया हूं। आओ आओ, बैठ कर आराम से बात करते हैं। अंकल, हम लोगों के लिए खुशखबरी है। क्या? आज तक मैं समझता था कि चाचा जी का खून मेरे हाथों हुआ है, मगर आज मुझे एक आदमी मिला जो चाचा जी के असली कातिल को जानता है। कौन है वो असली कातिल? ये उसने नहीं बताया, क्योंकि उसे 1,00,000 रुपए की जरूरत है। रुपए मिलते वो सब कुछ बता देगा अंकल। जो कुछ भी है तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। बिल्कुल नहीं अंकल, मुझे उसकी बातों से लगता है कि वो इस मर्डर केस के बारे में बहुत कुछ जानता है। अगर मैं उसको पैसे दे दूंगा तो सब कुछ बता देगा। मैं घर भी गया था, मगर पुलिस ने घर को चारों तरफ से घेर रखा। अंकल, मौसी के बाद अगर मेरा कोई अपना है तो आप है। अगर आप मुझे 1,00,000 रुपए दे दें तो मेरी जान बचाने का यह एहसान मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। अंकल प्लीज। नहीं, प्लीज कहकर मुझे शर्मिंदा मत कर। पैसा क्या तुझसे ज्यादा है क्या? अरे तुझे बेगुनाह साबित करने के लिए 1,00,000 तो क्या, मैं अपनी सारी जायदाद लुटा दूंगा। ये ले। थैंक यू। लेकिन कहां बुलाया उसने तुझे? हरिदास हॉल में रात को 12 बजे के बाद। हरिदास हॉल में रात को 12 बजे के बाद 1,00,000 रुपए के साथ? नहीं नहीं बेटे, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, मैं भी आऊंगा तुम्हारे साथ। अंकल, उसकी पहली और आखिरी शर्त ही यही है कि वहां पर मेरे साथ कोई और नहीं होना चाहिए। ओह, आप मेरी परवाह मत कीजिए, मैं देख लूंगा। अपना ख्याल रखना बेटे। अपना ख्याल रखना बेटे। हाँ, ये
तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं 1,00,000 रुपए लेकर आ गया हूं। अब मुझे बताओ कि मेरे चाचा जी का असली कातिल कौन है। सुनो, मैं बड़ी मुश्किल में हूं, प्लीज प्लीज। उस तरफ देखो, उस तरफ। मालूम अभी अभी हुआ है, कातिल यहीं कहीं होगा। थिएटर को चारों तरफ से घेर लो। भैया हो गया, मुझे नहीं लगता वो हमें यहाँ पर मिलेगा। अगर वो यहाँ पर होता तो मिलता ना। मुझे तो लगता है कि वो हमारे आने से पहले ही निकल गया है। आपको नहीं लगता? सुनो सर, लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले चलो। क्या बात है कमिश्नर साहब, पोस्टमार्टम के लिए आप खुद तशरीफ लाए? क्या बताएं डॉक्टर साहब, ये जो लाश के सर में गोली लगी है, ये गोली मुझे बहुत दूर तक पहुंचा सकती है, इसीलिए मैं खुद यहाँ आया हूँ। अच्छा, तो आइए पहले कागजी कार्रवाई पूरी कर लेते हैं। वो सीमा करेगी। सीमा, यू गो एंड डू द नीडफुल। आइए, तुम कागजी कार्रवाई करो, मैं तब तक जरा।
मैं अपनी कैब भूल गया। ये रही कैब। क्या हुआ डैडी? मैं इस लाश के मुंह पे कपड़ा ढांक के गया था। कपड़ा हट कैसे गया? डैडी, फैन चल रहा है, फैन से कपड़ा भी तोड़ सकता है। राइट यू आर, वेरी इंटेलिजेंट। कम। भाई साहब जरा ये देखिए, ये राखी आपने बनाई? नहीं, मुझे नहीं मालूम। जरा गौर से देखिए, शायद आपके किसी दोस्त ने बनाई। नहीं, हमको नहीं मालूम। अरे भाई, हाय। हे जरा बगा, ही राखी ही तू भी बना लेगा? आमी नहीं बना लेता। कौन बनू सकता माई देगा? माइती नहीं। अरे बर, क्या आप बता सकते हैं इस राखी में जो गुदा हुआ नाम है? ए, मड़ापन टैटू बनाओ ना। अरे जरा एक मिनट थाम आप, प्लीज एक मिनट। ये इसमें नाम जो गुदा हुआ, ये कौन कौन? ये टैटू सिवाय पांडे के और कोई नहीं बना सकता बाबूजी। ये पांडे मिलेगा कहाँ पर? सोरागोन पेड़ों के नीचे। एक नंबर का आलसी और कामचोर आदमी है बाबूजी। एक्सक्यूज मी, मेरा मतलब है कि आप लोगों में से पांडे कौन है? पांडे? अरे यही पांडे है भैया, देख रहे हो? मगर बात का है, बड़े घबराए हुए नजर आ रहे हो। ये जरा देखेंगे आपने, ये राखी इन्होंने बनाई है। मीना? अरे ये तो मीना ने लोगों के शरीर पर पानी से बनवाया था। आप मीना को जानते हैं? अच्छी तरह इन्हें समझाइए ना भैया जी, मेरा मीना से मिलना बहुत जरूरी है। अरे कहा मीना मीना लगाए रखे हो भैया, और वो भी ऐसे आदमी से कह रहे हो। 2 मिनट पहले कुत्ता इनका मुंह गीला कर गया, कुत्ते को तो भगाया नहीं गया। अब कुत्ता भगाने का तकलीफ कौन करता भैया? सुन लिया, आज इनकी मंगनी है और आलस चांपे हुए हैं इनको। आज इनकी मंगनी? जी। तो इनकी मंगनी में मीना तो जरूर आएगी। जरूर आएगी। हेलो डॉक्टर खन्ना हियर। मैं लोबो की बहन मीना बोल रही हूँ खन्ना। उस लावारिस चर्सी की अचानक बहन कैसे पैदा हो गई? लोबो मेरा सगा भाई नहीं था, मगर सगे भाई से बढ़कर था वो मेरे लिए। फोन क्यों किया? भौंक मत खन्ना, तूने मेरे भाई को मारकर अच्छा नहीं किया। क्या बकवास कर रही हो, क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत तो मेरे पास वो भी है जो ये साफ जाहिर करते हैं कि सक्सेना का कातिल कौन है। मेरा भाई एक खत और कुछ फोटोग्राफ्स मेरे पास छोड़ गया है जो अमर को फांसी से बचाने के लिए काफी है। बस यही बताने के लिए मैंने तुझे फोन किया है खन्ना, कि मैं ये सब सबूत पुलिस के हवाले करने जा रही हूँ ताकि वो बेगुनाह अमर बच जाए। अरे नहीं नहीं मीना दीदी, तुम जो समझ रही हो ना वो मैं नहीं हूँ। राखी की सौगंध, अरे लोबो की बहन मेरी बहन, लगता है भाई बहन के बीच में किसी ने गलतफहमी पैदा कर दी है। मुझे तुम्हारा एड्रेस दो, मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। मैं कुत्तों से मिलना पसंद नहीं करती। कुत्ता? क्या? अरे लोबो की बहन मुझे कुत्ता बोल गई वीरा। अब कुत्ता काटेगा नहीं तो कुत्ते को कुत्ता कौन कहेगा? समझ गया? समझ गया डॉक्टर। ऐसा फेंक तमाशा देख, भंग पिलाने का लालच दे के हमको यहाँ लाकर बिठा दिए। बम बोले बम। अब काम कर। बोलो भैया। तनी की गिलास हमरे हाथ से लेके नीचे रख दो। जरूर, लेकिन लेकिन मीना आ जाएगी। कब आएगी राजा? आ जाएगी। बिटुआ मेरे लाल, चल बिटुआ, लड़की इंतजार कर रही है, ले उसे अंगूठी पहनानी है, है। अब कौन पहनाएगा अंगूठी? अरे भैया तुम हमरे नए नए दोस्त बने हो, हमरा एक काम कर दो, तुम्हें अंगूठी पहनाए के मंगनी कर ले। हाँ? अरे मेरे तो भाग्य ही फूट गए,
10 साल हो गए इसको समझाते समझाते, ऐसी सुशील लड़की बार बार नहीं मिलेगी, ऐसा मौका मत गवाओ बिटुआ। अरे इसको समझाओ। समझाए समझाए। हाँ भैया, मंडली आयु कहाँ है? सफल हुई जाए। इसलिए तो कहता हूं लड़की पटा ले बबुआ, और लड़की पटा ले बबुआ, कहीं मौका निकल न जाए। लड़की पटा ले बबुआ, कहीं मौका निकल न जाए। लड़की पटा ले बबुआ, भंग का तुझे चढ़ाया पीली तूने दारू दारू ए दारू ए दारू। नशा भंग का तुझे चढ़ाया पीली तूने दारू, प्यार के घूंटे से बांधेगी अब तुम्हारी महरारू महरारू। अरे तोहरे लुगाई रे हो जाएगा यार।
डरो नहीं, बिल्कुल मत डरो। दरअसल बात यह है कि खन्ना साहब की कोई चीज तुम्हारे पास गलती से आ गई है। लाओ वो हमें दे दो, लाओ वो हमें दे दो। सारे सबूत हैं जो मुझे बेगुनाह साबित कर सकते हैं। तुम इसे बिल्कुल सही वक्त पे लाए हो अमर। नर्स, वार्ड बॉय, नर्स जल्दी से इसे आईसीयू में ले जा, जल्दी से। जल्दी, जल्दी, जल्दी। चलो अमर चल कर कॉफी पीते। खन्ना अंकल वो रिलैक्स अमर रिलैक्स, चल। खन्ना अंकल वो रिलैक्स अमर रिलैक्स, वी आर डूइंग द नीडफुल, कॉफी पियो। खन्ना
डॉक्टर साहब, लड़की मर गई। मीना, मीना, नहीं मीना, तुम नहीं मर सकती। मीना, तुम नहीं मर सकती। तुम ही तो मेरी बेगुनाही का आखिरी सबूत हो। मीना, 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 मीना। मीना के हाथों में ये पेन था, वो कुछ लिखना चाह रही थी। खन्ना अंकल कुछ कीजिए ना। सॉरी अमर, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मर चुकी है। हेलो, मैं भी आती हूँ। तो इसके हाथों में पेन था, कुछ लिखना चाह रही थी, शायद असली कातिल के बारे में। मगर इससे पहले कि मैं इससे कुछ पूछता, मैंने लेटर और फोटोग्राफ्स गांधी चौक के लेटर बॉक्स में डाल दी है। मौसी, मैं हूं अमर। अमर, तू, तुझे यहां आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? नहीं नहीं, किसी ने नहीं देखा। अमर, कैसा है बेटा तू? क्या होता मौसी, बस जी रहा हूं ऐसे। पुलिस की चुंगल से जानवरों की तरह भागा भागा फिर रहा हूं, बहुत थक गया हूं। मैं सोना चाहता हूँ मौसी। सो जा। मैं सोना चाहता हूँ। सो जा।
अचानक कैसे? तुम्हें ने मुझे फोन करके बुलाया था। मैं तो इसके मरने के बाद तुम्हें फोन करने वाली थी, लेकिन क्या? फिर मुझे फोन किसने किया? हमने करवाया था। हाँ? वो भी इंस्पेक्टर सीमा के हाथों। मुझे जिंदा देखकर हैरान परेशान हो गई ना मौसी। वो हुआ यूं कि यहाँ पर आते ही तुम्हारे रिवॉल्वर से असली गोलियां मैंने बाहर निकाल ली, और नकली गोली से इंसान मरता नहीं। दरअसल क्या है मौसी, इन तस्वीरों को देखने के बावजूद तुम्हारी मक्कारी पे मुझे यकीन नहीं है, इसलिए तुम दोनों को इकट्ठा करने के लिए मुझे इन्हें फोन करके यहां बुलाना पड़ा, ताकि तुम लोगों का कमीनापन मैं अपनी आंखों से देख सकूं, अपने कानों से सुन सकूं। साइड प्लीज। वाह मौसी वाह, खन्ना के इश्क में और पैसों के लालच में आकर तुम इतना गिर जाओगी, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन इन फोटोग्राफ और लोगों के इस खत ने, जो कि उसने मीना को लिखा था, सारी हकीकत बयान कर दी कि कत्ल की रात क्या हुआ था। प्लीज छोड़िए ना, इतनी जल्दी भी क्या है, प्लीज छोड़िए ना, इस बुड्ढे को मारकर कत्ल के इल्जाम में मेरे फोटोग्राफ की मदद से उसके भतीजे को फंसाकर पूरी दौलत हड़प करना चाहते हैं। अगर उस दौलत का थोड़ा सा हिस्सेदार मैं बन जाऊं तो क्या बुरा है? गोली चली जरूर थी, लेकिन मेरी रिवॉल्वर से नहीं, तेरी रिवॉल्वर से मौसी। मुझे फांसने के लिए आप लोगों ने लोगों को फोटोग्राफ लेने के लिए बुलाया, मगर वो कमीना आप लोग का भी बाप निकला। उसने आप लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए वो फोटोग्राफ भी ले ली जिसमें तू गोली चला रही थी मौसी। खून हो जाने के बाद जब मैंने अपने आप को कानून के हवाले करने की कोशिश की तो तुमने मुझसे कहा कि नहीं मेरे बेटे, मेरे लाल, मेरे पीले, तू ऐसा मत कर, तू अपने आप को कानून के हवाले मत कर, तू कॉपी बहुत अच्छी करता ना, तू लिख। मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया इसलिए कि तुम लोग चाहते थे कि मैं ना मरूं उस वक्त तक जब तक जायदाद मेरे नाम नहीं हो जाती। अरे रामा, व्हाट अ ड्रामा। जब इंस्पेक्टर सीमा को मैंने असलियत बता दी और मैं जेल के पीछे चला गया, तब भी तुम लोगों ने नहीं चाहा कि मैं फांसी के फंदे पर झूल जाऊं, क्योंकि जायदाद मेरे नाम नहीं हुई थी ना, तो मुझे जेल से निकालने के लिए तुम लोगों ने वकील के साथ मिलकर एक नया नाटक किया, मुझे पागल करार कर दिया। और जैसे ही मैं पागल खाने में पहुंचा और ये जायदाद मेरे नाम हुई, तो मेरे प्यारे से अंकल ने पागल खाने में मुझे जहर देकर मार देने की कोशिश की। अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए जब मैं पागल खाने से फरार हुआ और मैंने लोगों से मिलने की कोशिश की, तो तुम लोगों ने लोगों को भी कत्ल कर दिया, उसके बाद मीना को भी कत्ल कर दिया, फिर उसके बाद दोबारा मेरी बारी आई। मुझे मार देने के बाद तुम इस जायदाद की इकलौती मालकिन बनना चाहती थी और जिंदगी भर इस खन्ना के साथ अय्याशी करना चाहती थी, मगर अफसोस लोगों के इस खत ने और इन फोटोग्राफ ने तुम लोगों की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सो माय डियर यंग कपल उर्फ लैला और मजनू, तुम लोगों के हनीमून के लिए यह हवेली नहीं बल्कि जेल की चार दीवारी है, वो भी अगर फांसी नहीं हुई तो। अच्छा चलता हूं, एसीपी चंद्रवेदी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अंकल का देख ली, आंटी का भी देखा ले, अरे मौसी का भी देख ली, जगतिया में कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना। इस हरामजादे को रोको खन्ना, इससे पुलिस तक नहीं पहुंचना चाहिए।
तुम्हें फटफटी वाले मौसी को मिलने का वादे थे। निकलो छोटे सरकार वरना लटक जाओगे। बेटे इन दो पहियों की गाड़ी पर जाते जाते थक जाओगे, इसलिए ये लो मेरी गाड़ी की चाबी और फोटोग्राफ्स एसीपी को देकर आना और वापस आने के बाद अपनी महबूबा की लाश को लेकर जाना। तुम्हारी मदद करने निकली थी, हमने सोचा हम ही ले आए। अमर तुम मेरी परवाह मत करो, तुम चले जाओ। हाँ ठीक है जाता हूँ। अरे काम करो ना, अपनी चूड़ियां दे दो ना मुझे पहनने के लिए। एक आध बार मदद क्या कर दी तुमने मेरी, तुम अपने आप को झांसी की रानी समझने लगी। एक मिनट भाई साहब, देखो औरतों को औरतों के काम शोभा देते हैं और मर्दों के मर्दों को। ये लो। मैंने कहा ना ये लड़कियों का काम नहीं है। जगह पुलिस को बुला जाओ। टाइम पे रे अरे शुक्रिया। उनको नमस्कार। चला तुम यहाँ कहाँ नाच रहे? कहाँ हुआ इनको अरेस्ट करना? हमारा डिपार्टमेंट है और तुम्हारा डिपार्टमेंट हुआ है। आए हुआ जाके नाचो। अरे जय बजरंगबली। मिसेस एगोल, आई मीन होल्ड ऑन एगोल, होल्ड ऑन एगोल क्या कर रही है आप? होल्ड ऑन एगोल क्या कर रही है? अरे होल्ड ऑन एगोल, हट। क्यों बे, इतना भी नहीं समझता? ये रिहर्सल थी, एक मैं दूंगी, सच में तो मुझसे उधार ले और बदले में सारा संसार दे ले। यहाँ आइए मेरे साथ, जरा पीछे आइए। एक चुम्मा तू मुझको उधार दे।